जम्मू कश्मीर आया हूं तब जम्मू में पैर रखते ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो याद कर कि हमारी पार्टी के पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यही बलिदान दिया था। श्यामा प्रसाद जी ने नारा दिया था एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। मैं 2014 में आया था तब यहां पर नारा हम मांग के रूप में बुलाते थे और आज ये नारा गर्व के साथ हम सिद्धि के रूप में बोल रहे हैं, क्योंकि धारा 370 समाप्त हुई। पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर में भी आन बान शान के साथ हमारा तिरंगा गगन को छू रहा है। भाइयों बहनों, गगन को छू रहा है। और श्यामा प्रसाद जी ने जो बलिदान दिया, प्रेमनाथ डोगरा जी ने जो आंदोलन किया, वो आंदोलन को आज परवान चढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पूरे देश को ढेर सारे फायदे हुए। हर गरीब को घर मिला, शौचालय मिला, नल से जल मिला, 5 किलो अनाज हर गरीब को फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, 5 लाख तक का इलाज मिला, सभी जगह मिला, देश का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा। परंतु नरेंद्र मोदी के 10 साल में अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो मेरे जम्मू कश्मीर वालों को हुआ है। एक जमाना था जिस जमाने में ऐसे जलसे की कल्पना ही नहीं कर सकते थे, पथराव होता था, गोलीबारी होती थी, बम धमाके होते थे, पाकिस्तान से हड़ताल के ऐलान किए जाते थे और आज धारा 370 का साया, धारा 370 का मनहूस साया पूरे जम्मू कश्मीर पर था। आज धारा 370 समाप्त हो गई है। टेररिज्म, आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और जो युवा पथराव कर रहे थे वो युवाओं के हाथ में पत्थर की तरह जगह लैपटॉप है, लैपटॉप है परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे कई भाइयों को सालों से अन्याय हुआ। वाल्मीकि भाइयों को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, माताओं बहनों को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलता था। और ये मेरे बैठे हैं पहाड़ी बकरवाल गुर्जर भाई बहन, उनको भी रिजर्वेशन नहीं मिलता था। नरेंद्र मोदी सरकार ने सबके साथ न्याय करने का काम किया। एनसीपीडीपी गुर्जर भाइयों को उकसा रहे थे कि आपका काटकर पहाड़ियों को देंगे। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ भाई, बोलो भारत माता की। बैठ जाओ भाई, अब बैठ जाओ। आ गई फोटो तेरी, बैठ जाओ। अरे
फोटो आ गई भैया बैठ जब। ये पीडीपी एनसी वाले हमारे गुर्जर भाइयों को भड़काते थे कि आपका आरक्षण काट कर देंगे। मैंने पार्लियामेंट में कहा था 1% भी गुर्जरों का आरक्षण काटे बगैर हमारे पहाड़ी भाइयों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। और आज मुझे आनंद है, मोदी जी की कृपा से गुर्जर, पहाड़ी, बकरवाल, ओबीसी, दलित और महिला सबको आरक्षण देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाइयों और बहनों, डोगराओं का एरिया है, मुझे डोगरा पगड़ी पहनाई है, डोगरा पगड़ी का सम्मान रखने का काम जिम्मेदारी आप लोगों की। नरेंद्र मोदी जी ने, अरे बैठ जाओ ना भाई, अब सुन नहीं रहे हो, बैठ जाओ। नरेंद्र मोदी जी ने सालों से सेना के परिवार वालों की डिमांड थी कि वन रैंक वन पेंशन दिया जाए, एक कांग्रेस पार्टी देती नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन देकर सालों पुरानी मांग को पूरा कर दिया। भाइयों और बहनों, जम्मू में 4 नए मेडिकल कॉलेज खुले, 14 नर्सिंग कॉलेज, 7 बीएससी पैरा मेडिकल कॉलेज, आईआईटी जम्मू में आया, आईआईएम आया, विजयपुर में एम्स बन रहा है, बक्सी नगर में कैंसर अस्पताल बन रहा है, 25 नए डिग्री कॉलेज खुले, 2 इंजीनियरिंग कॉलेज खुले। पहले जम्मू और कश्मीर के बच्चे देश भर में पढ़ने जाते थे, आज देश भर के बच्चे मेरे जम्मू में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ये बड़ा परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी ने किया। जम्मू में 18 इंडस्ट्रियल एस्टेट आ रहे हैं, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, अमृत परियोजनाएं 34 और स्मार्ट सिटी की योजनाएं 104 जम्मू में लागू करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और जम्मू वालों जोर से ताली बजाना, पूरे देश में सबसे पहली ई बस भारत सरकार की ओर से भेजने का काम जम्मू में हुआ है। 75 ई बस भेजी, दिल्ली अमृतसर कटरा रोड बन रहा है, चमोटी द्रवशाला सुरंग का काम प्रगति पर है, सेमी रिंग रोड का काम भी 90% से ज्यादा बन गया। ढेर सारी योजनाएं जिसके अंदर 30,000 करोड़ रुपया लगाकर जल विद्युत के हजारों मेगावाट का उत्पादन अब जम्मू कश्मीर में होने वाला है। जम्मू पूंछ 4 लेन का रोड बन रहा है, फ्लाईओवर बनने से घंटों के जाम से आपकी मुक्ति हुई है, ताबी नदी पर आर्टिफिशियल लेक बनाकर टूरिज्म को बढ़ावा दिया है, और दुनिया का सबसे बड़ा टनल 11 किलोमीटर का जम्मू में बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। एयरपोर्ट का भी हम विकास कर रहे हैं, सुचेतगढ़ बॉर्डर पोस्ट का वाघा की तरह विकास कर रहे हैं, जहां सलाम लगाने के लिए पूरे देश के लोग आकर हमारे जवानों का सम्मान करेंगे। और जम्मू और कश्मीर के बीच में जल्दी से ट्रेन चालू होने वाली है, और सबसे लंबी ट्रेन दुनिया की
जम्मू से सीधा कन्याकुमारी तो कश्मीर से कन्याकुमारी का श्यामा प्रसाद जी का कल्पना भी इससे पूरा होने वाला है। सिंचाई योजनाएं ढेर सारी हमने की है और बजट के अंदर 4 गुना से ज्यादा वृद्धि करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाई और बहनों, मैं आज दूसरी बात करना चाहता हूं। मोदी जी एक आयुष्मान भारत की योजना लेकर आए हैं, पूरे देश में 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार, लगभग 6 करोड़ से ज्यादा लोग अपने ऑपरेशन करा रहे हैं और 1 लाख करोड़ से ज्यादा मोदी सरकार ने इस पर अपना खर्चा किया है। मित्रों, मगर पूरे देश में ये योजना गरीबों के लिए है। गुर्जर जम्मू कश्मीर में ये योजना सभी के लिए है, किसी को 5 लाख तक का खर्चा नहीं। मोदी जी ने हेल्थ का ज्यादा खर्चा दिया, ज्यादा चावल दिया, पूरा बजट जो पहले एनसीपीडीपी चाऊ कर जाते थे, हमारे एलजी साहब ने बजट की पाई पाई जमीन पर उतारने का काम किया है, भ्रष्टाचार को समाप्त किया है, पारदर्शी नौकरियां दी और जो टेररिज्म में लिप्त थे उन परिवारों को नौकरी से बाहर रखने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अब कहीं पर किसी की हिम्मत नहीं है पाकिस्तान के नारे लगाने की, नारा लग रहा है तो एक ही लग रहा है, भारत माता की जय का नारा लग रहा है। भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर में परिवर्तन हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है और मैं आज एनसीपीडी को कहने आया हूं। आप कहते थे महबूबा जी यदि धारा 370 हटेगी तो तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं रहेगा। महबूबा जी, तिरंगा मैं और आप चले जाएंगे, ये तिरंगा तो अजर है, अमर है, हमेशा रहने वाला है। धारा 370 चली भी गई और तिरंगा भी आन बान शान के साथ फहरा रहा है, किसी की हिम्मत नहीं है उंगली लगाने। फारूक अब्दुल्ला साहब कहते थे मोदी जी 10 बार प्रधानमंत्री बन जाए धारा 370 नहीं हटा सकते, 10 बार छोड़ो फारूक साहब, दूसरी बार में ही धारा 370 को समाप्त। भाई और बहनों, धारा 370 हटने से महिलाओं को अधिकार मिला है, बहु बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिला है, एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन मिला है और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत यहां पर गांवों का विकास हो रहा है। मैं आज कहकर जा रहा हूं जम्मू और उधमपुर की सीट पर जो सीमा से सटे हुए गांव है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, सीमा से सटे हुए हर गांव को जम्मू जैसा बनाने का हमारा कार्यक्रम है। भाई और बहनों, ये तीनों पार्टियां कांग्रेस पीडीपी और एनसी, ये तीनों पार्टियों ने यहां पर जमहूरियत को रोक कर रखा था, लोकतंत्र को रोक कर रखा था। ये तीन परिवार के चट्टे बट्टे जनप्रतिनिधि के रूप में आते थे, पंचायत के चुनाव नहीं होते थे, मोदी जी ने 40,000 पंचायत के लोगों को स्थान देने का काम किया। उन्होंने आपके अधिकार छीने थे, हमने आपको अधिकार दिया है। आज मैं दिल्ली रहता हूं, सप्ताह में कोई न कोई यहां से गुर्जर बकरवाल पहाड़ी भाई आकर
बाहर चिट्ठी देकर धन्यवाद का पत्र देता है, मिलना चाहता है। इतने सालों से इनके अधिकारों को वो मार खाए थे, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इनको अधिकार देने का काम किया। भाइयों और बहनों, आज फिर से सूफी संप्रदाय पूरे जम्मू कश्मीर में फल फूल रहा है, क्षीर भवानी का मेला भी लग रहा है, माता वैष्णो के दर्शन करने भी आ रहे हैं और अमरनाथ यात्रा में भी आन बान शान के साथ सारे लोग आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर खुशहाल बना। भाई और बहनों, मैं जम्मू में आया हूं तब कहना चाहता हूं, ये दोनों पार्टियों ने डोगरा और डोगरी दोनों का अपमान किया था, महाराजा हरि सिंह का सम्मान कभी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने इनकी जयंती पर छुट्टी घोषित कर महाराजा साहब को सम्मान देने का। डोगरी भाषा के लिए भारतीय जनसंघ से लेकर हम लड़े, अटल जी आए तब 8वें शेड्यूल में आई, और मोदी जी आए तो जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा भी बन गई। भाई और बहनों, पहले सर्टिफिकेट दिए जाते थे, वो भी उन्होंने बंद किया और हमने बहुत सारे बदलाव किए। एक ध्वज हो ही गया, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी राजभाषाएं हो गई, लखनपुर टोल टैक्स बंद हो गया, महिलाओं को जोर से ताली बजाना माताएं बहने, 33% रिजर्वेशन अब आपका हो गया है जम्मू कश्मीर असेंबली में। हमने पहाड़ी समाज को भी आरक्षण देकर सालों की उनकी मांग को पूरा करने का काम किया है। राइट टू एजुकेशन, फॉरेस्ट राइट्स, एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ पेट्रोसिटी एक्ट, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, अल्पसंख्यक आयोग, ये सारे हमने जमीन पर उतारने का काम किया है। और भाई और बहनों, आज मैं घाटी के युवाओं को भी कहना चाहता हूं, घाटी की रक्षा के नाम पर ये तीनों पार्टियों ने हमारे घाटी के युवाओं का शोषण किया है। आज मैं फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी को पूछना चाहता हूं, सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर किसके समय में हुए, किसने कश्मीर के बच्चों पर गोलियां चलाई, किसने कश्मीर के बच्चों के हाथ में बंदूकें थमाई, यही तीन पार्टियां हैं। नरेंद्र मोदी जी ने फेक एनकाउंटर तो बंद कर ही दिए, आतंकवाद समाप्त कर बेटों को काम धंधे पर लगाने का काम नरेंद्र मोदी ने। पश्मीना हो, सेब हो, या यहां के हैंडीक्राफ्ट हो, उसको मोदी जी ने दुनिया भर के अंदर प्रसिद्धि दिलाकर, जियो टैगिंग लगाकर आज युवाओं को और घर की महिलाओं को रोजगारी देने का काम किया है। होम स्टे की पॉलिसी सफलतापूर्वक लागू कर हर एक व्यक्ति को अपने घर में ही कमाई करने का जरिया नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर 2,00,000 माताओं को लखपति बनाने का काम किया है। अब मोदी जी ने तय किया है 1 करोड़ लखपति दीदी देश में बनाए हैं, अब 3 करोड़ बनाने वाले हैं, तो जम्मू कश्मीर में भी 6,00,000 और बनेंगे। 75,00,000 से 75 साल से ऊपर सभी को आयुष्मान भारत का फायदा मिलेगा। और जम्मू कश्मीर वालों, नल से जल मिला है ना, मिला है या नहीं मिला है, बोलो जोर से, मिला है या नहीं मिला है। अब पाइप से गैस भी मिलेगी, सिलेंडर की जरूरत नहीं होगी, ये नरेंद्र मोदी का वादा है। भाई और बहनों,
मैं आज जम्मू कश्मीर की जनता को कहने आया हूं, नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित कर जम्मू कश्मीर के विकास का रास्ता प्रशस्त किया है। 70 साल पिछड़ गया जम्मू कश्मीर, आंदोलन होते रहे, आतंकवाद चलता रहा, विकास रुका रहा। नरेंद्र भाई ने हड़ताल भी समाप्त की, पथराव भी समाप्त किया, आतंकवाद भी समाप्त किया और विकास की शुरुआत करने का काम किया है। भाई और बहनों, मैं घाटी के जवानों को कहना चाहता हूं, ये अपप्रचार करते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी वाले घाटी पर कब्जा करना चाहते हैं। हम कब्जा करने वालों में से नहीं है, दिल जीतने वालों में से है, चिंता मत करिए। ये मेरे पहाड़ी गुर्जर भाई बैठे हैं, मन से आए हैं, उनका क्षेत्र न होने के बावजूद आए हैं, क्योंकि वो मोदी के मुरीद है इसलिए आए हैं। और मैं आज बताने आया हूं घाटी के सारे मतदारों को, हमें कोई जल्दी नहीं, जब आपका प्यार मिलेगा तो घाटी में भी कमल खिल जाएगा, हमें चिंता नहीं। इस चुनाव के अंदर घाटी के मतदाताओं को मैं अपील करने आया हूं, जिसको वोट देना हो वो देना, ये 3 परिवारवादी पार्टियों को न देना। फारूक साहब, महबूबा जी और सोनिया गांधी, ये तीनों अपने बेटे बेटी के लिए काम करते हैं, आपके लिए काम नहीं करते। भाई और बहनों, हमारे सांसद साहब के भी 2 टर्म हुए हैं, मोदी जी के भी 2 टर्म हुए। मैं अपील करने आया हूं, हमारे सांसद साहब को भी 3रा टर्म दीजिए और मोदी जी को भी 3रा टर्म दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अभी 2 करोड़ के ऊपर यात्री पहुंचे हैं, मोदी को प्रधानमंत्री बना दो, 3 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट यहां जम्मू कश्मीर में आएंगे, ये मोदी का गारंटी है। ढेर सारी विकास की योजनाएं नरेंद्र मोदी जी के मन में है, उनको जमीन पर उतारना है। और मैं कहकर जाता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने तय किए हुए तारीख पर ही हम जम्मू कश्मीर के चुनाव कराएंगे, किसी को शंका रखने की जरूरत नहीं। भाई और बहनों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कमल के निशान पर बटन दबाइए। दबाएंगे क्या? जरा जोर से बोलो, दबाओगे?